जनपद में कड़ाके की ठंड का सिलसिला 12वें दिन भी जारी रहा। सुबह से ही घने कोहरे के साथ साथ गलन बरकरार रही। आपको बता दें कि बुधवार को मिनिमम पारा 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार यूपी में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक ठंड से कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है तथा अगले 14 जनवरी तक कोल्ड वेव या येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में ठंड को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से अभी तक 55,000 कंबल वितरण किया गया है तथा इसके साथ साथ सभी जगहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय अपने वाहन के हेडलाइट को जलाकर चलें तथा जब आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले और जब भी बाहर निकले तो गर्म कपड़ा पहन कर निकले ताकि सभी लोग ठंड से बचे रहें। अगर किसी प्रकार की रैन बसेरों में जाने में परेशानी होती है तो मेरे नंबर 9454417415 पर संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। ठंड काफी बढ़ गई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है इस समय? काफी ठंड है लेकिन नगर निगम द्वारा अलाव का व्यवस्था कराया गया है, जल रहा है जगह जगह पर। तो नगर निगम द्वारा बेहतर व्यवस्था हो रही है? हाँ, व्यवस्था तो हो रही है। और किस प्रकार की समस्या आपको ठंड में हो रही है? ठंड तो है ही है, गलन काफी है, लोग परेशान तो ठंडी से ही है, लेकिन बाकी जो प्रशासन का काम हो कर रही है। राणा प्रताप सिंह, ठंड काफी बढ़ गई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? ठंड तो बढ़ गई है, लोग नगर निगम से व्यवस्था हो रही है अलाव की, लेकिन उसको और व्यापक पैमाने पर करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके। हेलो, और कंबल उम्बल का वितरण भी करवाना चाहिए प्रशासन को, जिससे लोगों को ठंड से निजात मिल सके। किस प्रकार की समस्या हो रही है ठंडी में? ठंडी में लोगों को सांस लेने की दिक्कत और तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं ठंड की वजह से। हेलो, क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से यही अपील है कि जनता अपना बचाव स्वयं करे, प्रशासन कार्रवाई चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। आज मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है, अभी हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है जो भी इस बाइट को देख रहे हैं, कृपया घरों में ही बने रहें। यद्यपि अलाव की व्यवस्था की गई है लेकिन अलाव तो बाहर जल रहा है, मेरा सभी से अनुरोध है घरों में रहें। और राज्य सरकार की ओर से जनपद गोरखपुर में अब तक लगभग 52,000 कंबल वितरित किए गए हैं हमारे रैन बसेरी हैं, जो गांव में भी हैं और शहरों में भी हैं। तो जो लोग भी कहीं सड़क पर हैं वो अपने आसपास के रैन बसेरे में चले जाएं, यदि कहीं पर भी उनको लगता है कि कोई रैन बसेरे वाला उनको रुकने से मना कर रहा है तो मैं अपना मोबाइल नंबर इस पर दे रहा हूँ, राजेश कुमार सिंह 94-54-41-76-15 94-54-41-76-15। और वो बता देंगे कि मैंने कहा है कि उनको रोका जाए, ये सरकार का निर्देश है कि कोई भी खुले में नहीं रहेगा, कोई भी सड़क पे नहीं रहेगा और हमारे रैन बसेरों में ही निवास करेगा। धन्यवाद।